अरे इतनी देर कर दी सोनिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? एक इंसान, एक जाहिल इंसान के टकराने की वजह से ना पूरी मेहनत खाक में मिल जाती। फिर किसी मुसाफिर ने बदतमीजी कर दी। कोई नई बात थोड़ी है, एक सीट का किराया देते हैं और उन्हें लगता है कि साथ में हमें भी खरीदी है। पठान हरकतें इतनी अजीब नजरों से देखना, और जिन्हों को घर में कोई एक पानी का ग्लास भी नहीं पूछता ना, वो भी टिकट खरीदते हैं और उनको लगता है कि हमारे बॉस हैं और हम उनके गुलाम। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बेटा अब तक तो तुम्हें आदि हो जाना चाहिए था। मुझे आदि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। तुम्हारा घर बस जाएगा ना तो रोज रोज की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। ये शादी की बात कहाँ से आ गई? तुम किस किस को बदलने की कोशिश करोगी सोनिया? ये जॉब छूटेगी ना तो ये रोज रोज की चिक चिक भी खत्म होगी। रोज आना कोई नया माजरा, कोई नया मसला। बस रुकैया ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया, वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं कल। क्या रिश्ता? तो अपने घर की हो जाओगी ना तो इस नौकरी से जान छूटेगी। आज आप मुझे एक बात बताएं, मेरे लिए क्या किसी प्रिंस चार्मिंग किसी शहजादे का रिश्ता आना है? वो भी तो मुझ जैसा ही होगा, कमाना फिर भी बहुत जरूरी है। कहा मेरी जान, शौहर का मजबूत सहारा तो होगा ना तुम्हारे साथ। छोड़े अम्मी, कौन सा सहारा? मेरी जितनी कॉलीग शादीशुदा है ना, उनका भी सेम महंगाई का मसला है। आजकल का दौर वो नहीं रहा, मियां बीवी दोनों को मिलके कमाना पड़ता है। लेकिन मसला वो नहीं, मसला ये लोग हैं जो सुकून से इज्जत के साथ आपको कमाई करने नहीं देते, वो इख्तियार नहीं देते। भाई मैं कुछ नहीं जानती, अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता घर आ रहा है बस। किसी हाल भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। ये रोज के जो तुम धक्के खाती हो ना बसों में और खार होती हो, मैं चाहती हूँ कि खत्म हो। घर बसाने से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारी माँ तो जरूर ठीक हो जाएगी। तुम जानती हो जब तक तुम घर नहीं आती ना मेरी सांसें अटकी रहती हैं। बस यही दुआ रहती कि खैर खैरियत से इज्जत के साथ मेरी बेटी घर आए। नाराज होने की जरूरत नहीं है,